आज हमारी मिठाई वर्कशॉप का थर्ड डे है। तो जी, मैं हूँ आपकी शेफ तरुणा बिल्लाड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगेन हम दो अमेजिंग सी मिठाई बना रहे हैं और उसी मावे के साथ जो हमने फर्स्ट डे बनाया था उससे हम बनाने वाले हैं पान, सच वाला पान। हाँ, और उसके बाद हम बनाएंगे रोज़ गुलकंद लड्डू जो खाने में बहुत अमेजिंग है। चलिए देख लेते हैं कि बनाते कैसे हैं, फिर इन्जॉय करेंगे खाने को। काजू पान बनाने के लिए हमने यहाँ पे काजू मावा लिया है जो डे फर्स्ट वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी नीचे दिया है। वही फर्स्ट डे वाला हमारा काजू मावा है। इसको हम लेंगे एक पैन में और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ग्रीन कलर, अगर ड्राई कलर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसी के साथ ही बहुत थोड़ा सा, एक दो बूंद जितना पानी मैं डाल रही हूँ इसमें, और एकदम स्लो फ्लेम पर इसे करना है ताकि अच्छे से इसमें कलर मिक्स हो जाए। थोड़ा सा कलर कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। कलर डालने से थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाता है इसलिए अच्छे से आप पका लें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। और इसे हम गैस ऑफ कर देते हैं, हमारा डन है। और जो ग्रीन मावा हमने बनाया वो ठंडा हो चुका है, अब इसे रोल कर लेंगे हम। अब हम 5 इंच जितने स्क्वायर कट कर लेते हैं। सिर्फ मैं दो बना रही हूँ इसलिए इस तरह से कट करना पड़ रहा है, अदरवाइज आप पूरा स्क्वायर बेल के और जैसे हम चौकोर पीसेस करते हैं वैसे आप पीसेस इसके कर सकते हैं। इस तरह के 5-5 इंच के स्क्वायर मैंने कट कर लिए हैं। थिकनेस आप देख सकते हैं कैसी है, थोड़ी पतली चाहिए तो रख सकते हैं लेकिन पतला ज़्यादा स्टिफ नहीं रहेगा, वो कड़क नहीं रहेगा। अब क्या करना है आपको, इस तरह से समोसे की तरह इसको फोल्ड करना है। हल्का सा यहाँ से प्रेस कर ले, अब इसका स्टफिंग हम बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे गुलकंद, इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट, जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत थोड़ा सा हम डालेंगे इलायची पाउडर, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे केसर, थोड़ा सा हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट और एक से बूंद हम डालेंगे रोज़ एसेंस की, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम फिल कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा ऊपर ऊपर फिल करना है आपने। तैयार है हमारा काजू पान, देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इसकी जो गुलकंद वाली फिलिंग हमने बनाई थी मैंने इसमें कलर नहीं डाला है, लेकिन जो हलवाई बनाते हैं उसमें थोड़ा सा रेड कलर डालते हैं, तो अगर आप चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं। अब हम बना रहे हैं रोज़ गुलकंद लड्डू। उसके लिए मैंने पिंक कलर का मावा लिया है, काजू मावा, जिसे थोड़ा सा पैन में सेक लिया है। अभी जस्ट हमने जो काजू पान किया था उसमें हमने ग्रीन कलर डाल के बनाया, वैसे ही मैंने यहाँ पे जो है पिंक कलर डाल के बनाया है। थोड़ा गर्म है ये, थोड़ा सा ठंडा होता है तब तक हम क्या करते हैं इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमें यहाँ पे चाहिए गुलकंद, थोड़े से हम डालेंगे ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा हम डालेंगे रोज़ एसेंस, और जो मावा हमने यहाँ पे रोस्ट करके रखा था उसमें से 10 ग्राम जितना मैं इसमें डाल रही हूँ। जब भी आप इस तरह से मिठाई के लिए गुलकंद लेते हैं स्टफिंग के लिए या टॉपिंग के लिए, तो हल्का सा स्ट्रेन कर लें, छलनी जो होती है हमारी उसके अंदर आप इसको स्ट्रेन कर लें। ये हमारा स्टफिंग तैयार है, इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं इस तरह से। जो पिंक मावा हमने बनाया था थोड़ा ठंडा होने के बाद इस तरह से दो बोल्स बना लें और इसको इस तरह से फैला लें, और इस तरह से जो फिलिंग है हमारा वो हम इसमें रख दें। बस ये ध्यान रखना है कि जो गुलकंद हमने लिया है उसको छलनी में स्ट्रेन कर लें, मैं यहाँ धोने की नहीं बोल रही हूँ, उसको वॉश करने की नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ स्ट्रेन कर लें ताकि एक्सेस भी हमारा मीठा ना हो। अब इन लड्डुओं पे हम गुलाब की पत्तियाँ लगाएंगे तो वो स्टिक हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिक्विड ग्लूकोज लिया है, बहुत थोड़ा सा, 1/4 TSP से भी थोड़ा सा कम, और 1/2 TSP 1 TSP जितना पानी डाल के गर्म कर लिया, एक चिपचिपा सा जो हमारा है ये पानी तैयार होगा। अब क्या करना है, इस पानी को लेना है इस तरह से हाथ में, आप देख सकते हैं थिक सा पानी है, और इस लड्डू को इसमें इस तरह से कोट कर लेना है। अब यहाँ पे एक प्लेट में मैंने ड्राई रोज़ के पेटल्स लिए हैं, इसको हम इसमें डालेंगे और इस तरह से पूरा कोट कर लेंगे।
अच्छे से इस तरह से हाथ से और रोल कर लें, और इस तरह के पेपर कप्स आते हैं उसमें आप इसको रखते हैं। आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग जो बिल्कुल मिठाई वाली शॉप पे मिलते हैं, सेम वैसे ही, और टेस्ट भी ट्रस्ट मी सेम वैसा ही आपको मिलेगा। तो देखा आपने, अगर काजू का मावा रेडी है तो मिठाई बनाना कितना आसान है, और इस दिवाली ये मिठाई अगर आप सर्व करेंगे तो आपकी तारीफ बहुत होगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक और नई मिठाई के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।